चलो चैप्टर स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट गुजराती चैप्टर 12 पेज नंबर 64। ठीक है, हम आगे का देख लिया है। सोमनाथ की स्थापना किसने की? सोमनाथ की यात्रा, ठीक है, यात्रा धाम सोमनाथ। अब आगे का देखिए, आगे का देखेंगे। ठीक है, मोहम्मद गजनवी नामना मुस्लिम बादशाहे सौथी वधु वखत એટલે કે 17 વખત આ મંદિરનો નાશ કર્યો હતો અને સંપત્તિની લૂંટ કરી હતી। સૌરાષ્ટ્રમાં જે મંદિર આવેલું છે, યાની કે સૌરાષ્ટ્ર મે જો મંદિર મંદિર હે સોમનાથ સોમનાથ મહાદેવજી કા મંદિર, ઠીક હે, વો સબસે પહેલે યાની કે સાલો કે પહેલે યે જો મોહમ્મદ મોહમ્મદ ગજનવી નામના મુસ્લિમ બાદશાહ, પહેલે કે જમાને મે ક્યા થા કી ચડાઈ હોતી થી, ઠીક હે, फाइट भी होती थी। तो इसमें मोहम्मद गजनवी नामना मुस्लिम बादशाह, मोहम्मद गजनवी नामना मुस्लिम बादशाह सौथी वधु वखत यानी कि 17 वखत यानी कि 70 टाइम्स आ मंदिर नो नाश कर्यो हतो, यानी कि ये मंदिर को तोड़ दिया था। सोमनाथ मंदिर हम बनाते थे पर ये मोहम्मद मोहम्मद बादशाह था, ठीक है, इसने क्या 70 टाइम्स आ मंदिर तोड़ी ने नाखे, तो यानी कि आ मंदिर का नाश कर दिया था, तोड़ दिया था ये मंदिर, ठीक है, अने संपत्ति नी लूट करी हती, यानी कि जो मंदिर में जो होते ज्वेलरी जवेरात पैसा ये सब की लूट करी हती, यानी कि चोरी करके भाग गए थे। एमा ईस्वीसन 1783 रानी अहल्याबाई सोमनाथ नु नवो मंदिर बनावड़ाव्यु हतु। जोवा 1783 मा रानी अहल्याबाई वो रानी अहल्याबाई सोमनाथ सोमनाथ नु नवो मंदिर बनावड़ाव्यु हतु, जे आजे नवा सोमनाथ मंदिर नी बाजू मा छे। फिर किसने बनाया ये सोमनाथ सोमनाथ महादेव जी का मंदिर? 1783 मा रानी अहल्याबाई सोमनाथ मंदिर सोमनाथ यानी कि भगवान जी महादेव जी का मंदिर बनाया था बनावी होतु, ठीक है, जे आजे नवा सोमनाथ मंदिर नी बाजू मा छे। ये जो नया मंदिर बना है ना सोमनाथ, इसकी बाजू में यानी कि इसके पास में है ये सोमनाथ महादेव जी का मंदिर। ये रानी अहल्याबाई जो बना है ये मंदिर वो कहाँ पे है? ये सोमनाथ मंदिर नहीं बाजू में, यानी कि सोमनाथ महादेव जी का मंदिर जो बना है इसके पास में, ठीक है। सोमनाथ में घनी पौराणिक जगह अने मंदिरों छे। सोमनाथ में घनी पौराणिक पौराणिक यानी कि पुरानी पुरानी जगह पुरानी जगह अने मंदिरों छे, जेम के गीता मंदिर भद्रकाली मंदिर स्मारको बलका तीर्थ अने चंद्र प्रभु नो देरासर वगैरह छे। क्या है सोमनाथ में घनी पौराणिक यानी कि सबसे पुरानी जगह है, इसमें मंदिरों भी अलग अलग से, इसमें गीता मंदिर भद्रकाली मंदिर स्मारको यानी कि अलग अलग से स्मारको है, ठीक है, जो पुतले होते हैं ना वो स्मारको बालका तीर्थ अने चंद्र प्रभु नु देरासर वगैरह आवेला छे, ठीक है। अब आगे देखें आगे देखते हैं, ठीक है। गुजरात ने लोखंड ने पुरुष सरदार पटेले खंडेर सोमनाथ शिवालय नु पुनः निर्माण करवानु नक्की कर्यु। गुजरात का जो नेता थे, नेता हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो कौन थे? एक लोखंडी पुरुष थे, ठीक है। इसमें खंडेर सोमनाथ शिवालय नु पुनः निर्माण करवानु नक्की कर्यु। ये जो गुजरात के यानी कि लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, जो खंडेर सोमनाथ मंदिर था
भगवान शिवालय यानी कि महादेव जी का मंदिर वो खंडे जैसा था, ठीक है, मंदिर नहीं था वो, एकदम खंडे जैसा हो गया था। तो इसमें लोखंडी पुरुष यानी कि सरदार पटेल ने क्या किया, इसका पुनः निर्माण यानी कि फिर से वो मंदिर बनाया। वो कौन से साल में बनाया देखो आगे, ईस्वी सन 1951 11 भारत ना राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसादे सोमनाथ शिवालय नी प्राण प्रतिष्ठा विधि करी हती। ये मंदिर कब बनाया था, स्थापना कब की थी, तो देखो 1951 11 मई भारत ना राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है वो, तब 1951 में कौन थे भारत का राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, सोमनाथ शिवालय ने प्राण प्रतिष्ठा यानी कि स्थापना की, प्रतिष्ठा की, ठीक है, फिर से बनाया, इसमें हेल्प की, ठीक है। अत्यंत मंदिर 1985 अनेक चरणों में बंधायु छे, और जरे अत्यार यानी कि अभी का, अभी का जो मंदिर है वो कौन सी साल में, 1950 अनेक चरणों में बंधायु छे। आ मंदिर महामेरु प्रसाद शैली में बंधायु छे। सबने इसमें सपोर्ट किया था यह मंदिर बनाने में, ठीक है। सौराष्ट्र वेरावल थी रोड रस्ते 5 किलोमीटर दूर सोमनाथ एटले के शिवालय मंदिर आवेलू छे। ये मंदिर कौन सी जगह पे आवेला है, कौन सी जगह पे है, तो सौराष्ट्र वेरावल थी रोड रस्ते 5 किलोमीटर दूर सोमनाथ यानी कि शिवालय मंदिर आवेलू छे। અહીં 12 મહિના ભક્તોની ભીડ જામેલી હોય છે। આપ સબ લોગ જબ જાતે હો ના સોમનાથ મહાદેવજી કા મંદિર મે, યે સોમનાથ યાની કે સૌરાષ્ટ્ર મે જો વેરાવળ થી 5 કિલોમીટર જે દૂર આવેલું છે સોમનાથ શિવાલય જી કા મંદિર, જહા પે 12 મહિના યાની કે પૂરે કે પૂરા મંથ ये भक्तों की भीड़ यानी कि जो दर्शन करने आते वो भक्तों, ठीक है, वो 12 महीना भीड़ होय छे। एमा खास श्रावण महीना मा महाशिवरात्रि मा प्रभुना दर्शन माटे भक्तों मेड़ो जोवा जेवो लागे छे। सबसे अच्छा यानी कि श्रावण महीना मा महाशिवरात्रि मा, महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि आती है ना, तब प्रभु प्रभु ना यानी कि महादेव जी का दर्शन माटे भक्तों नो मेड़ो यानी कि बहुत सारे भक्तों देखने को मिलता है, जिसमें हर हर महादेव, जय सोमनाथ, हर हर महादेव ना जय घोष साथे अहीं वातावरण भक्तिमय बनेलो रहे छे। आप सब लोग मंदिर में जाते हो ना महाशिवरात्रि के दिन यानी कि हर रोज भी जाते होगे शिवालय यानी कि भगवान सोमनाथ, यानी कि आपके पास में जो शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर में आप जाते हो ना, आप सब लोग तो सब लोग गाते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, हर हर महादेव, जय सोमनाथ, हर हर महादेव ना, या जय घोष साथे, यानी का इसका आवाज साथे वातावरण भक्तिमय बनेलू रहे छे। शिवालय यानी कि सोमनाथ मंदिर नी पाछर घुघवाटा करता अरबी समुद्र नी भव्यता ना दर्शन थाय छे। शिवालय मंदिर, अब देखो शिवालय मंदिर है, शिवालय मंदिर नी पाछर घुघवाटा करता, घुघवाटा यानी कि एकदम घुघवाटा यानी कि जो साधु लोग होते हो ना, साधु लोग घुघवाटा साथे, इस तरह से अरबी समुद्र नी
इसके स्वराज के पास में क्या है, समुद्र भी है, ठीक है, इसमें भव्यता ना दर्शन पण थाय छे। वही थोड़ा अंतरे नदियों नो त्रिवेणी संगम थाय छे, जहां पे नदी है, ठीक है, नदी इसमें तीन यानी कि तीन तरह की नदियों का संगम, यानी कि जोड़ लो साथ साथ मिलकर, त्रिवेणी यानी कि तीन लोग का संगम होता है, ठीक है। थैंक यू। अब होमवर्क आपका सुन लो, इसमें जो ये चैप्टर है, चैप्टर का शब्दार्थ वो 2 टाइम्स आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।